राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और सत्ता में आ जाने के बाद बीजेपी आलाकमान अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अहम रणनीतियां बना रहे हैं। रणनीतियां कुछ इस प्रकार हैं कि जो जो दिग्गज नेता इन विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पद की दावेदारी के लिए एक प्रबल और मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आए थे, अब उनका राजनीतिक भविष्य शानदार बनाना है। बात चाहे हो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, चाहे बात कर ली जाए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे वसुंधरा राजे सिंधिया अब किस तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। इसमें देखा गया कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को नियुक्त किया गया, लेकिन यही ऑफर, यही प्रस्ताव वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं ना कहीं दिया गया था। दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अब जिस तरह से शिवराज और वसुंधरा को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव वह लड़ सकते हैं, और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से चुप्पी साधी हुई नजर आई है राजस्थान में, अब उनकी एक्टिवनेस तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हाल ही में बयान दिया कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा चुनाव लड़ना पक्का है और अब विपक्षी दलों को धक्का लगना भी पक्का है। शिवराज लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में मंत्री भी बनेंगे, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी अटकलें तेज हैं। जी हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी आलाकमान की तरफ से तमाम बैठकें बुलाई गई उसमें शामिल नहीं हुई, जयपुर में जो बैठक हुई उसमें भी वह शामिल नहीं हुई, खामोश रही और ऐसे में उनकी चुप्पी के तमाम तरीके के मतलब निकाले गए। लेकिन 30 दिसंबर को भज्जन लाल के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की और वसुंधरा राजे सिंधिया उस वक्त मौजूद नजर आई। अब जिस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है रामदास अठावले ने, इसके बाद से अब यहाँ पर किस तरह से एक्टिवनेस बढ़ चुकी है वसुंधरा राजे की। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के पास ना सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है बल्कि दोनों के पास एक बड़ा वर्ग है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव हैं और दूसरी ही तरफ शिवराज का जलवा अब भी बरकरार है, क्योंकि महिला वोटर्स की संख्या अच्छी खासी उनके समर्थन में दिखाई देती है। वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों 5 बार सांसद और 6 बार विधायक रहे हैं। शिवराज ने 18 साल और वसुंधरा ने 10 साल का कार्यकाल जिस तरीके से लाया है, इसके बाद से यही कहा जा रहा है कि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो इस तरह से देखा जाए जिस तरह वसुंधरा राजे सिंधिया एक्टिव होती हुई नजर आई है। 25 जनवरी को जब पीएम नरेंद्र मोदी महीने में दूसरी बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति की आगवानी के लिए जयपुर पहुंचे तो वह एयरपोर्ट पर स्वागत करती हुई नजर आई। इसके अलावा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। तो इस तरह से देखा जाए अब हाईकमान का फैसला आने से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य में एक्टिव हो चुकी हैं। अब यहां पर सवाल यही खड़े होते हैं कि अपने बेटे की खातिर, दुष्यंत सिंह की खातिर जो सांसद हैं, उनके खातिर वसुंधरा राजे सिंधिया चुप रहेंगी, विधायक बनी रहेंगी, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बड़ा पद सौंपा जा सकता है, क्योंकि उपाध्यक्ष वह पहले से ही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कार्यकाल खत्म होने को जा रहा है, ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि वह अध्यक्ष बनती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव क्या वाकई में वह लड़ती हैं या फिर नहीं, क्योंकि दावे यहां पर यह किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया अब यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भोपाल या विदिशा से उतारे जा सकते हैं तो झालावाड़ से चुनाव लड़ सकती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। देखते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।